गाइस हाथ जल गया मेरा, गिरा वो ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योगी की दुनिया, और आपका स्वागत है योगी की दुनिया में। और गाइस आज है मंडे और अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहे हैं 10:30 और हमने ड्राई क्लीन कर लिया। आज हम नहाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। गाइस लास्ट तक देखिएगा मेरा व्लॉग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का व्लॉग। तो अभी का सीन है, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और मैं अपना आज से दुकान खोलूँगी, दुकान इन द सेंस ये। तो आज से मैं अपना मेल्स चेक करके जो भी काम है वो सब काम करना स्टार्ट करूँगी। और बाहर का सीन ये है कि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, सब चले गए। मम्मी डस्टिंग वस्टिंग कर रही है और समेटना वमेटना कर रही है, जो भी जगह जहाँ पर जगह है जिस चीज़ की वो वहाँ पे रखी जा रही है क्योंकि फैल बहुत जाता है। तो कल मैंने छोटा सा क्लिप डाला था जहाँ पर हम गुरुद्वारा गए थे। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया बस, क्योंकि परसों सैटरडे को मैं रात को 3 बजे सोई थी और सुबह 9 बजे उठी और फिर पूरा दिन ऐसे ही चला गया फ़ोन में, है ना, और बातों में रिलैक्स किया। और फिर शाम को हम गुरुद्वारा गए थे और फिर वहाँ से हम 2 गुरुद्वारे गए थे, दूसरे का मैंने शूट नहीं किया। वहाँ हमने लंगर भी खाया था तो बहुत अच्छा लंगर था, राजमा चावल आलू गोभी की सब्ज़ी चपाती सैलड खीर, बहुत अच्छा लंगर था, मज़ा आ गया लंगर खा के। फिर हम घर आए, फिर हम कल जल्दी ही सो गए थे, बहुत थकावट थी। और बस अब आज का दिन स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी आज क्या करते हैं। और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाय चीकू, क्या कर लियो ठंड में, क्या कर लिए चीकू? मेरा चीकू कहाँ कर लें, मेरा छोटा सा बाबू बीमार हो गया। मैं आई थी अपना रेंट रिसीप्ट्स के प्रिंट आउट्स लेने क्योंकि अभी मुझे टैक्स भरना है। तो अब रेवेन्यू स्टैम्प लेने के लिए आगे जा रही हूँ, पोस्ट ऑफिस या किसी एक शॉप में मिल सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो वहीं से देख लूँगी। चलो चलते हैं। गाइस हम ले आए हैं रिवेन्यू स्टैम्प और रेंट रिसीप्ट आ गए हैं। ओ भैया जिसके लिए गए थे वही गिर गई ये ना लड़की बड़ी बदतमीज है। गाइस हम आ गए फाइनली घर और मीट गाइस, इसकी ना थोड़ी सी तबीयत बड़ी खराब है, मतलब इसको ना डर बैठ गया, इसके ना खून में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो 2-4 बार ना बड़ी जोर से इसका पैर लगा और ये बहुत तड़पी, तब से इसको ना बेचारी को डर ही बैठ गया। ये ना चल रही ना बहुत कम चल रही है, तब से ये बस बिस्तर में ही बैठी रहती है, उदास सी बड़ा नज़र सी लग गई हमारी लड़की को, है ना चीकू क्या हो गया है ना। अरे मेरा बाबू सोनू, तू तो ऐसे नहीं था बिल्कुल भी, कैसे हो गया? चलो बैठो मैं आ रही हूं। हमें चिकन आ गया, चिकन आ गया, चिकन गाइस आज हम इनके लिए चिकन लाए हैं स्पेशली चीकू के लिए। कैंडी तो फ्री में आ गई थी साथ में, तो इसमें चिकन उबल रहा है और ये मम्मी ने बनाई है, आलू मेथी धुए उठ रहे हैं। और फिर मेरे लिए ये अलग से चिकन इसके नीचे पड़ा हुआ है। सब चीज़ों को रेंट रिसीप्ट को सबमिट करूँगी और
फिर शाम को देखते हैं चिकन बनाएंगे। अभी तो कोई मन नहीं है मेरा कुछ भी करने का, बहुत ठंड है यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ इन दीदी को लेने। चलो 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 चलो, कपड़े भी यहाँ पे सुखाए हुए हैं क्योंकि कल ये सूखे नहीं थे ढंग से, तो यहीं पे ही डाल दिए। हे गाइस, 5 बज गए हैं और मेरे 2 दिन के बिग बॉस बचे हुए थे, तो मैंने सारा बिग बॉस दो एपिसोड्स देखे हैं, जिसमें 1.5 घंटे या 3 घंटे का था और एक तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके कर दिया, तो पूरे कंप्लीट करे हैं। और बाकी यस, मम्मी आ गई वॉक पर से। अब मैं मम्मी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, उनको पानी कोसा कोसा करके पीना है। साथ में मम्मी ने बोला मैं चाय बना बना के पक गई हूँ, तो आज अभी तू चाय बनाएगी। और गाइस, मुझे चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब कुछ भी बनवा लो, मतलब बनवा लो मन होना चाहिए, बट चाय बनाने का तो मेरा कतई ही मन नहीं करता। पीनी बहुत पसंद है, पीनी अच्छी लगती है बट बनानी नहीं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है, और दूसरा ये है कि आज मेरा भाई ना वो लाया था चिकन इन दोनों के लिए, मतलब मेरे लिए भी लाया था, मैंने आपको पहले बताया। तो वो बाहर वाले डॉगीज़ के लिए भी हड्डियाँ ले आया था, हड्डियाँ और थोड़ा ये सब। तो उसका ये क्या बोलते हैं इसको, चिकन चिकन कुछ तो बोलते हैं यार, भूल गई। हाँ, तो वो हमने ऐसे उसको बॉईल किया है देसी घी में। तो मैं इनको ना, मैं ढूंढती रह गई बाहर के कुत्तों को, वो पता नहीं कहाँ गए हुए थे किसी काम से उनको भी बड़े काम रहते हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो अब ये ठंडा हो गया, तो मैं इसको गर्म करती हूँ। और ये कैंडी का बर्तन है, तो बस इसको थोड़ा सा गर्म करके ना उनको बाहर डाल के आऊँगी, जिससे वो भी अपना खा पी लें। इन दोनों ने खा लिया, ये खा के अपना पता नहीं कहाँ से लेकर आई है, दे दो, ये क्या लिया है गाइस, हाथ जल गया मेरा। ये रहा वो ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जो उनका चिकन गर्म कर रही थी ना, वो मैं ऐसे ऐसे करके ना चेक कर रही थी कि वो जो बोल है वो गर्म है या ऐसे अंदर डाल के, वो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, वो मेरा हाथ ही चिपक गया। और मैं इसमें आटा लगाती हूँ गर्म, ठंडा ठंडा, वो छाले ना बन जाए, बड़े दुख हो जाएगा, कितने बुरे हाथ लग रहे मेरे। गाइस देखो, आटा लगा लिया है, जिससे बहुत सही है, थोड़ा सा आराम सा पड़ रहा है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, ये भी ना मेरे से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अरे आज तो पानी चला रखा है इन्होंने। तो गाइज, मैं आ गई हूँ वॉक पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, आई थिंक मोर देन 1 वीक मैं वॉक पे आई ही नहीं शायद काफ़ी दिनों से। खुल मैंने सोचा आज वॉक स्टार्ट करते हैं, जब कंटिन्यू स्टार्ट की है तो कंटिन्यू करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बस फिर वो बच्चे खेल रहे हैं, और ये रहा मंदिर। और गाइस आज यहाँ पे मुझे पता चला है कि रोज़ दिन में ना इस पिलर से, ये जो पिलर है, इस पिलर से एक लंगूर को बांधा जाता है। आप पूछोगे क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे ना बंदर आते थे बहुत ज़्यादा, टोलियाँ ही टोलियाँ बंदरों की। तो उससे क्या हुआ कि सबका बड़ा नुकसान होता था, गेहूँ कपड़े फाड़ जाते थे ये और वो, ऐसे ऐसे करके। तो वो लंगूर लाया गया क्योंकि बंदर लंगूर से डरते हैं। तो पिछले साल भी लाया गया था, तो तब एक साल बंदर आया ही नहीं, लेकिन अब फिर से आना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने फिर से लंगूर बांधा। और वो लंगूर को ना इस यहाँ पे बंद कर देते हैं शाम को 5 बजे के बाद। गाइस बज रहे हैं 9:45, और मैंने अभी ये ऑर्डर किया है
क्योंकि मम्मी ने दाल बनाई थी और आलू में थी, चिकन बन नहीं पाया क्योंकि आज एकादशी थी। तो मम्मी ने बोला कि आज एकादशी है, कल ट्यूसडे है, तो चिकन खाना ही नहीं है, वेडनेसडे को खाना है। तो अब हम चिकन वो बनाएंगे ही नहीं, बाहर डॉगी को या कैंडी चीकू को दे देंगे बॉइल करके। इसलिए मैंने अपने लिए पास्ता मंगवाया, मेरा कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा था, टेस्टी सा। तो अब गाइस उसी नोट पे व्लॉग एंड करती हूँ, और जिसको व्लॉग अच्छा लगा वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और गाइस लाइक शेयर एंड सपोर्ट ऑल्सो प्लीज़।